أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज की जो एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई है, इसमें जो है वो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक ट्रिक के तहत लिख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास, हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने शेल्स पढ़े थे। हमने शेल्स कौन कौन से पढ़े थे? एस एस होता है, सॉरी, शेल्स पढ़े थे और सब शेल्स पढ़े थे। हमने सब शेल्स कितने पढ़े थे? हमने चार टाइप्स के सब शेल्स को देखा था, एस, पी, डी और एफ। एफ जो है वो तो हमारे ए लेवल्स में नहीं है, उसके बाद हम एस, पी और डी को देख रहे होंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आती, तो मैंने एक पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपको बताया था कि भाई आप इस तरह माना एस टू टू एस टू टू की सिक्स होते इस तरह लिख सकते हैं। अब एक और तरीका ये है, वो ये है कि आप देखें, आपके पास एस है, फिर एस है, फिर पी है, फिर एस है, फिर पी है, फिर एस है, फिर बी है, फिर पी है, फिर एस है, फिर डी है, फिर पी है, फिर एस है। तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। तो ये हमारे पास एक तरीके हमने जब से लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में निकाल, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 14। तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 है, तो 3p6 नहीं होगा, 6 5 4 3 2 3p2। ठीक है, तो ये आप हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई सिलिकॉन की, इसको हम इग्नोर करें। ठीक है, तो ये सिलिकॉन की आपने, अच्छा अब आप जो है वो गिन भी सकते हैं कि आपके पास 1s2, तो ये 2, ये 6 7 9 10 14, तो 14 हो गए। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं अपनी इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कैल्शियम की, तो कैल्शियम इज 20। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो और इस सब को बाकी को आपने इग्नोर। ठीक है, तो आपने लिखी क्या, जिनको ऐड कर दें 6 10 16 17 18 19 20, तो ये आपके पास आ गई कैल्शियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह, इस ट्रिक से आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी